विंध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। सीधी जिले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई थी जब हीरा सिंह मरकाम ने उपचुनाव लड़ा था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के। उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बात जन जन की चर्चा का विषय हुआ करती थी। उनकी रैली खास तौर से जो उनके कार्यकर्ता चलते थे वो देखने लायक होती थी। एक बार पुनः गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को पुनर्जीवित का काम कर रहे हैं श्याम सिंह मरकाम ने सीधी के बीथिका के सामने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर पुनर्जीवित करने का कोशिश की है। श्याम सिंह मरकाम कार्यकर्ताओं को 2023 में होने वाले चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा और कहा कि आप लोग बूथ बूथ तक जाएं और जन जन तक अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाएं कि किस तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नीति और नीतियों पर काम करती है। ना सिर्फ कार्यकलाप सामाजिक कार्यक्रम ये बनते बनती राजनीतिक गतिविधियाँ एक बार पुनः कोरोना के नियमित होते ही राजनीतिक गतिविधियाँ शुरू हुई हैं। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के श्याम सिंह मरकाम जी। मरकाम साहब, बीच में आपकी पार्टी ने थोड़ा सा सुस्ती जैसी चीज़ें आ गई थी, किस वजह से आई थी? हीरा सिंह जी के न रहने के बाद और सुस्ती आई थी, इसको आगे बढ़ाने के लिए जैसे बूथ लेवल तक ले जाने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? यही रहने के कारण जो गतिविधि में थोड़ा सा अवरोध जरूर आया, लेकिन चूँकि कोरोना का जो कोविड-19 का मामला रहा उसके कारण ज़्यादा संगठन में थोड़ा सा लोग अपने अपने घर में रह गए। हम भी 2 साल में इस सीजन में आए हैं, 2 साल के दरमियान लोगों से जो मेल मुलाकात होना था वो बंद हो गए, लोगों से फोन पर ही संपर्क हो पाता था। और हमको संगठन को चूँकि विस्तार देना है आने वाले समय में, 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और अभी आने वाले समय में प्रदेश का पंचायत राज चुनाव भी है, नगर पालिका का स्थानीय चुनाव भी होना है, तमाम चीज़ को देखते हुए हम पुनः फिर से कोविड-19 का जो मामला है वो कम हुआ है तो फिर से अपने लोगों से मिलने के लिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा कोई जगह था नहीं तो कलेक्टर के सामने आज हमारा सभा होना था लेकिन कलेक्टर साहब ने परमिशन नहीं दिया आम सभा का, इसलिए आज कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हमको चर्चा पर चर्चा करना है, इसलिए आज हम लोग यहाँ कलेक्टिव के सामने उपस्थित। आपकी पार्टी जैसे आपने कहा कि 2023 की विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक दल होने के कारण आप चुनाव में उतरेंगे, आपका दल बूथ लेवल तक पहुँचे, मैं रिपीट कर रहा हूँ बूथ लेवल पर पहुँचे, इस दिशा में आपके क्या प्रयास किए? जी, हम संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन में पूरी तरह चुकी मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है, अभी नए प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह गोटे जी बने हैं और उनके नेतृत्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी मध्य प्रदेश अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहा है और संगठन को दुरुस्तीकरण करने के लिए हम लोग भी आज कुछ वरिष्ठ लोगों से मिला, मेल मुलाकात करके पुनः यहाँ जिला के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, पंचायत के स्तर पर और बूथ लेवल तक हम लोग पहुँच सकें और आने वाले समय में अच्छा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करें। आजकल अलायंस का जमाना है, हर पार्टियाँ चाहे राष्ट्रीय दल हो वो सभी अलायंस बनाकर चुनाव लड़ती हैं, क्या आप भी 2023 की अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे या खुद अकेले एकदम पर चुनाव लड़ेंगे? अभी तो हम लोग संगठन पर ध्यान दे रहे हैं और जब अलायंस की बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर आजकल जो अलायंस का जमाना चल रहा है उत्तर प्रदेश में भी अभी 2022 में चुनाव होना है तो उसी तरह हम लोग भी चाहेंगे कि यहाँ अलायंस करके चुनाव लड़ा जाए और शासन सत्ता तक पहुँचा जाए। किस दल की तरफ आपका झुकाव होगा? यहाँ दो ही मुख्य राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, किस दल की ओर आपका झुकाव होगा? अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि किस दल के साथ, जो हमको अच्छा मान सम्मान के साथ में जो सीट है
जो सीट हम लोग चाहते हैं उतना सीट जो देगा हम उसके साथ जा सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि कांग्रेस के साथ। विचारधाराओं का बंधन नहीं है आपके साथ, विचारधारा का तो बंधन बिल्कुल है। विचारधारा में तो भाई हम दोनों दल के साथ हमारा विचारधारा नहीं जनता है। तो फिर हम बात करें तो इसलिए तो अभी तक स्वतंत्र लड़ रहे हैं, विचारधारा की बात करें तो दोनों के साथ में। लेकिन चूंकि देश की जो परिदृश्य है, प्रदेश का जो आज व्यवस्था है, उस तमाम व्यवस्था को देखते हुए किसी के ना किसी के साथ में हमको अलायंस करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के हम अपने लोगों का हक और अधिकार दिला पाएंगे। तो आप देख रहे थे श्याम सिंह मरकाम जी को राष्ट्रीय महासचिव हैं माना गणतंत्र पार्टी के, मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं। इनका कहना है कि आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर ये तैयारियां कर रहे हैं और ये जाएंगे गांव-गांव और बूथ-बूथ में और अपनी नीतियों और रीतियों से लोगों को परिचित कराएंगे। लेकिन यदि समय में ये किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करना पड़ा वो भी करेंगे और निश्चित रूप से अपनी सहभागिता मध्य प्रदेश में शासन सत्ता में बनाने की कोशिश।